मित्रों नमस्कार। प्रधाननामा के इस बहुत स्पेशल सीरीज को लेकर एक बार फिर मुखातिब हूं मैं वृंदा प्रधान। प्रधाननामा के स्पेशल सेगमेंट स्पेशल सीरीज साहित्य सारथी को लेकर मैं हूं आपके साथ। एक बार फिर करेंगे मिलकर बैठकर ढेर सारी बातें गुफ्तगू नई पीढ़ी के रचनाकारों के साथ। तो जब हम बात कर रहे हैं नई पीढ़ी के रचनाकारों की, तो इस क्रम में इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक बहुत खास मेहमान जो कि एक स्तंभकार हैं, समीक्षक हैं, आलोचक हैं और सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हिंदी विभाग में कार्य कर रही हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर सुजाता मिश्रा से। सुजाता मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार बिंदा जी, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके आगामी चैनल के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैडम सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि सुजाता मिश्रा का ये सफर लेखन का जो ये आपने कार्य शुरू किया वो किस तरह से शुरू हुआ। अतीत के पन्नों को पलटते हैं और हम देखते हैं कि आप एक ऐसे परिवार को बिलोंग करती हैं जो आपकी पृष्ठभूमि है वो राजनैतिक भी रही साहित्यिक भी रही। तो राजनीति को ना सेलेक्ट करके आपने साहित्यिक जो पक्ष है उसकी तरफ आपने रुख किया और साहित्य में अपना हाथ आजमाया। आप पठन पाठन अध्ययन अध्यापन ये सारे कार्य एक साथ कर रही हैं और लेखन कर रही हैं, तो ये जो इंटरेस्ट है ये जो प्यार है साहित्य के प्रति वो कैसे आपके मन में आया? धन्यवाद वृंदा जी। पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को बधाई दूंगी और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं साहित्य सारथी के जो आपका आगामी जो आपका कार्यक्रम है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधाननामा का जो इससे पहले साहित्य सागर आपका कार्यक्रम था उतना ही सफल आपका ये साहित्य सारथी भी होगा, उतना ही सार्थक होगा। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक भी है और साहित्यिक भी जी। मेरी माता जी दिल्ली की मेयर थी और मेरे भाई कपिल मिश्रा आप सभी जानते हैं आम आदमी पार्टी से दिल्ली के विधायक थे, मंत्री थे और अभी वो भाजपा में हैं। काफ़ी नाम है, काफ़ी बड़े नेता हैं दिल्ली के, काफ़ी एक्टिव नेता हैं। मेरे पिताजी साहित्यकार हैं, भारत भवन के ट्रस्टी सचिव थे वो भोपाल में और दार्शनिक है, गांधीवादी लेखक है बेसिकली वो। तो निश्चित तौर पर मैंने पिताजी की लाइन को पकड़ा, माताजी की लाइन को नहीं पकड़ा। लेकिन हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान मैं छात्र राजनीति में सक्रिय थी, बहुत एक्टिव थी जी। 3 साल मैं विद्यार्थी परिषद की स्टेट काउंसिल की मेम्बर थी और नॉर्थ कैंपस की छात्रा प्रमुख थी। तो उस दौरान मैं जेल भी गई हूँ, रोड जाम भी किया है, सब कुछ किया है, यानी राजनीति वाले जो मजे हैं वो भी। हाँ जी। लेकिन जैसे जैसे मैं उच्च शिक्षा की ओर आई, एमए में आई, मेरा रुझान पीएचडी की तरफ गया और मुझे लगा कि मुझे शिक्षा में जाना है, मुझे प्रोफेसर ही बनना है, ऐसा मेरे मन में एक आया और मुझे लगने लगा कि नहीं मैं राजनीति के लिए नहीं बनी हूँ। क्योंकि तब तक कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति देख ली थी और मुझे लगा कि चुनावी राजनीति मेरा करियर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मेरा जो अपना अनुभव है मुझे लगता है कि राजनीति के लिए जो मजबूत जिगरा चाहिए जी। वो मुझ में नहीं था। और मैं मानती हूँ कि अति संवेदनशीलता या अति भावुकता यदि आप में हो तो आपको राजनीति से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, और शायद वही गुण है जो इंसान को लेखक बना देता है। हाँ, यानी एक लेखक में संवेदनशीलता का होना, भावुकता का होना, भावों का होना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि वही आपका जो आपकी इमोशन है, आपकी जो भावनाएं है, वो बाहर रखने का सबसे अच्छा माध्यम वही है, कविता या लेख। राजनीति में उसका कोई स्थान नहीं है जी। तो मैंने फिर ये तय किया कि मुझे अकादमिक में जाना है, मुझे शिक्षिका बनना है और मुझे लेखन में आना है। तो बस वो क्रम अभी जारी है, अभी तो सीख रही हूँ, अभी तो शुरुआत है जी। ये बहुत अच्छी बात है कि सागर विश्वविद्यालय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में, जहाँ प्रोफेसर नंद दुलारे वाजपेयी जी विभाग अध्यक्ष रहे हिंदी के, वहाँ पर आप अध्यापक हैं। तो कैसा महसूस होता है आपको उसी डिपार्टमेंट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जहाँ प्रोफेसर नंद दुलारे वाजपेयी जैसे बहुत नामचीन व्यक्ति रहे, बहुत नामचीन साहित्यकार आलोचक जो प्रसिद्ध आलोचकों में से एक हैं, तो आप कैसा अनुभव करती हैं, कैसा महसूस होता है उसी डिपार्टमेंट में होने पर आपको? हाँ, निश्चित तौर पर नंद दुलारे वाजपेयी जी को मैंने एमए के दौरान पढ़ा था। हम उनको सौष्ठववादी आलोचक के रूप में कोट करते थे अपने आंसर में जी। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही सुखद अनुभव था जब मैं यहाँ आई और मैंने हॉल में उनकी तस्वीर लगी देखी, तो मुझे पता चला कि वो यहाँ के विभागाध्यक्ष थे जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे संस्थान से मैं जुड़ी हूँ
और आप देखिए जो यहाँ का जो भाषा विभाग है वहाँ एक से एक प्रतिभाएं हमेशा रही हैं। आप देखिए कांति कुमार जैन जी, सुरेश आचार्य जी, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, आप देखिए एक से एक विद्वान लोग भाषा विभाग में यहाँ पे रहे हैं। और आज भी आप देखिए प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी, प्रोफेसर चंदाबेन, डॉक्टर लक्ष्मी पांडे, आप देखिए कहाँ यहाँ का जो भाषा विभाग है वो कितना समृद्ध है। तो ऐसे विभाग का एक हिस्सा होना मेरे लिए, मैं तो इसे अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा जी। और बहुत अच्छे अनुभव मुझे यहाँ मिलेंगे। यहाँ सब आपको बेटी की तरह ट्रीट करते हैं, ये सबसे अच्छी एक बात है, बहुत अच्छा अनुभव है यहाँ जी। सुजाता जी, लेखन की यदि हम बात करते हैं, साहित्य की यदि हम बात करते हैं, तो जो साहित्य है उसमें दो, उसमें हम कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। तो आजकल के जो युवा राइटर्स हैं, आजकल के जो युवा हैं, उनका जो रुझान है वो नॉन फिक्शन की तरफ ज्यादा है। जबकि बचपन से हम स्कूली, जब हमारी शिक्षा हुई उस समय से ही हमने पत्र लेखन भी सीखा था, हमने कई तरह की चीजें हम लिखते थे, निबंध लिखते थे, पत्र लेखन लिखते थे, तो इस तरह की चीजें हम लिखा करते थे हमेशा। पर आजकल के जो युवा हैं वो गजल्स हैं, कविताएं हैं, उनको अपने लेखन में शामिल करना चाहते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों, इस बारे में आप क्या सोचती हैं, और फिक्शन और नॉन फिक्शन में बेसिकली अंतर क्या होता है? देखिए, मुझे लगता है कि आज नहीं, युवा जो है वो हमेशा से ही कहीं ना कहीं काव्य विधा की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जो युवा मन है वो कविताओं के प्रति, फिल्मी गीतों के प्रति वो ज़्यादा आकर्षित होता है। उन्हें लगता है कि हम अपनी भावनाएं शायरी में, कविता में बड़े अच्छे से कह सकते हैं, जिसको कहना है वो समझ भी सकती है। तो जी, बिल्कुल, आपका इशारा जो है तो बिल्कुल जी। तो युवा मन तो हमेशा से ही है, और अभी के हिसाब से यदि मैं देखूं तो आपका ही एक प्रधाननामा में मैंने प्रोफेसर कांति कुमार जी का एक एपिसोड देखा था जी। उसमें वो कहते हैं कि युवा अवस्था में कविता लिखते हैं, प्रौढ़ावस्था में उपन्यास और उपन्यास या कहानी, और वृद्धावस्था में संस्मरण लिखना चाहिए। मैं उनकी बात से अक्षरशः सहमत हूँ जी। तो वो सबको सुनना चाहिए, प्रधाननामा का वो जो एपिसोड है वो बहुत ही उपयोगी है। अगर आप जानकारी के हिसाब से देखते हैं तो बहुत उपयोगी उन्होंने बातें उसमें कही हैं, तो वो सही है। क्योंकि जो युवावस्था है उसमें जो आपके पास कल्पनाएं ही कल्पनाएं है, युवा मन बस आकाश में उड़ता है, वो सोचता है मैं ये कर लूंगा, वो सब कुछ पा लेना चाहता है, उसको लगता है वो जो चाहेगा वो पा लेगा, तो वो कल्पनाएं ही लिखता है। जैसे जैसे उम्र बीतती है उसका सामना यथार्थ से होता है जी, तो वो कहानी लिखता है, उपन्यास लिखने लगता है, वो जीवन में लोगों को देखता है, रिश्तों को आते जाते हुए देखता है, तो निश्चित तौर पर फिर उसको कहानी और उपन्यासों के पात्र दिखने लगते हैं जी। तो वो जो कहना चाहता है वो गजल में या कविता में सिमट नहीं पाता, उसको लगता है मुझे जो कहना है उसके लिए मुझे कोई कहानी लिखनी पड़ेगी। बिल्कुल, चाहे वो अपने टूटे हुए दिल की दास्तान कहनी हो या कोई जीवन का कटु अनुभव कहना हो, तो वो फिर कहानी और उपन्यास में जाते हैं। अब मुझे लगता है उसके लिए भी काफी अध्ययन जरूरी है। आप उपन्यास भी अच्छा तभी लिखेंगे जब आपने अच्छे उपन्यासकारों को पढ़ा होगा जी, तो अच्छा उपन्यास भी वही लिखेगा। यानी कहीं ना कहीं ये चीज बहुत जरूरी है, चाहे आप फिक्शन लिखें या नॉन फिक्शन लिखें, ये चीज बेहद जरूरी हो जाती है कि पठन पाठन का बेहद महत्व है। चाहे हम गजल की बात करें, कविताओं की बात करते हैं, शायरी की बात करें, किसी अच्छे शायर का कलाम आपने नहीं पढ़ा होगा, किसी अच्छे नहीं कर सकते कवि को या कवित्री की आपने रचनाओं को नहीं पढ़ा होगा, तो शायद आप बहुत अच्छे कवि या साहित्यकार नहीं। बिल्कुल, आपको अच्छा लिखना है तो पहले अच्छा पढ़ना पड़ेगा। और रही बात संस्मरण की या रेखा चित्र की, तो मैं मानती हूँ उसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं है जी। यानी अभी हम बात करें नॉन फिक्शन की, नॉन फिक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो जहाँ हमने जिक्र छेड़ा था कि सबसे पहले तो सुजाता जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे फिक्शन और नॉन फिक्शन के अंतर को, आप हमारे जो युवा दर्शक हैं जो ये देख रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी होती है इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने में कि फिक्शन कौन कौन सी विधाएं होती है, नॉन फिक्शन, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे आप उन्हें बताएं। देखिए, अगर बहुत सामान्य शब्दों में, क्योंकि ये मुझे लगता है आपके जो दर्शक होंगे, जो श्रोता होंगे, वो सभी साहित्य के विद्यार्थी तो नहीं ही होंगे, बिल्कुल, तो बहुत ही सामान्य भाषा में यदि मैं कहूँ तो जो फिक्शन है उसमें कल्पना का आप बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। माने आप अपने जीवन के किसी अनुभव पे लिख रहे हैं तब भी आप उसमें कल्पना का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं जी। चाहे वो कहानी हो, कविता हो, आप बहुत अच्छे से उसमें कल्पना लिख सकते हैं, उसके रूप रंग का वर्णन बढ़ चढ़ के कर सकते हैं, अपनी प्रेसी का या जो दिल तोड़ के चली गई हो जी, जी। है ना, तो कहानी कविता में आपको पूरा स्पेस मिल जाता है, उपन्यास में भी आपको स्पेस मिल जाता है, इसलिए उपन्यास का जो वृत्त है वो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अब नॉन फिक्शन हो गया, वो बहुत एक गंभीर लेखन है जी। उसमें ना तो कोरी लफादी चलेगी, उसमें शब्दों का भी चयन बहुत आपको सोच समझ से करना होगा।
तो जो नॉन फिक्शन है उसके लिए आपको अध्ययन बहुत जरूरी है, सिद्धांतों का, साहित्य के सिद्धांतों का, साहित्य के विभिन्न जो विचारधाराएं हैं उनका जी। तो इसीलिए जो मुझे लगता है जो युवा है उसका इसीलिए उस दिशा में ज़्यादा रुझान नहीं होता, क्योंकि उसके लिए बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, पढ़ने के साथ साथ गुनना पड़ेगा। एक होता है किताब को पढ़ना, एक होता है किताब को अडॉप्ट करना। आपने जो पढ़ा वो आपको अच्छा लगा वो एक अलग बात है, पर आपने उससे जो सीखा वो अलग बात है। तो युवाओं में वो चंचलता मैं देखती हूँ अभी खासतौर से, कि वो पढ़ते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते। और मैं देखती हूँ अभी ऐसे राइटर भी नहीं मिल रहे। पहले हम जब पढ़ते थे तो हम पेन लेके बैठते थे, कुछ लाइन को हम निशान लगा के जाते थे। इतनी मतलब इतनी बढ़िया वो लाइन होती थी कि हम मजबूर हो जाते थे। तो अब वैसे हमको राइटर नहीं मिल रहे हैं कि वो हम जिंदगी भर याद रखें। जैसे कांति कुमार जी की लाइन उन्होंने बोली, या जयशंकर प्रसाद जी को उन्होंने वहाँ पे कोट किया है, वैसी महत्वपूर्ण लाइंस मिलती कहाँ है कि आप उनको कोट करें जी। तो वही एक डिफरेंस है, आपको उतना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नॉन फिक्शन में सिद्धांत चलते हैं, कल्पनाएं नहीं, कल्पनाओं का स्पेस नहीं, नहीं है जी। यानी नॉन फिक्शन लिखने के लिए हमारे जो युवा हैं, युवाओं को सुनना समझना ये बात बेहद जरूरी है, कि पठन पाठन बेहद जरूरी है। जब तक आपके पास शब्दकोश नहीं होगा, जब तक आपके पास में अध्ययन नहीं होगा, तो आप नहीं लिख सकते। तो जरूरी है किताबों से दोस्ती करें, साहित्यकारों से दोस्ती करें, और वो क्या लिख रहे हैं उसे बहुत अच्छे से पढ़ें समझें, ताकि आप भी नॉन फिक्शन की तरफ अग्रसर हो सकें। सुजाता जी, अगला एक प्रश्न जो मैं आपसे करना चाहूंगी, शायद आपकी बातों से ही घूम कर इसमें इसका उत्तर मिल सकता है हमारे दर्शकों को, कि यदि कोई शुरुआत करना चाहता है, हमारे जो युवा साहित्यकार हैं या जो युवा भाई हैं बहनें हैं, वो शुरुआत करना चाहती हैं नॉन फिक्शन लिखने की, तो किस तरह से शुरुआत करें और उनकी तैयारी किस तरह की होना चाहिए, तो वो ये कह सके कि नहीं अब हम सक्षम है, हम लिख सकते हैं। कैसी तैयारियां हो, शुरुआत किस तरह की हो? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, कुछ युवा भी बहुत पढ़ते हैं, ये एक बात है जी। और मैं विश्वविद्यालय में ऐसे विद्यार्थियों को देखती हूँ, हर जगह, दिल्ली में भी देखा, यहाँ भी देखा, जो बहुत पढ़ते हैं जी। इवन मैं सिंधिया स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ कुछ बच्चे बहुत पढ़ते थे। तो निश्चित तौर पर जो बच्चा पढ़ रहा है वो बहुत अच्छा लिख सकता है, उसको सिर्फ शुरुआत करने की एक देरी है कि वो लिखे और अपने विचारों को लिखे, अपने अनुभवों को लिखे, अपने विचारों और अनुभवों को जोड़ के लिखे, ये ना सोचे कि कोई क्या कहेगा, है ना, शुरुआत तो वो वहीं से करे, है ना। तो निश्चित तौर पर लिख सकता है, शुरुआत करने नॉन फिक्शन के लिए कुछ स्पेशल तैयारी की जरूरत नहीं। अगर युवा अवस्था की हम बात करें तो जी, वो तो एक जब वो लिखने लगेगा तो उसको खुद लगेगा कि मेरी कमी कहाँ पर है, कमी कहाँ पर, तो मुझे और क्या पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आपको लगता है कि किसी बड़े साहित्यकार का सानिध्य भी जरूरी है? कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ लिखे, हम किसी साहित्यकार के पास जाते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, उसमें जो कमियां हैं। अगर अगर किसी विद्यार्थी को ऐसा उपलब्ध हो जाता है कि आसपास उसका पारिवारिक परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, तो बिल्कुल जाए, या उसके ऐसे शिक्षक हो जी, है ना, उसकी जिंदगी में ऐसे शिक्षक हो जो गंभीर हो, तो वो उनको दिखाए, उनसे थोड़ी सा जानकारी ले, तो हो सकता है। और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आप खुद भी पढ़ के फेसबुक है, सोशल मीडिया में आप वैसे लोगों से जुड़िए। आप जरूरी नहीं कि जब वैसे लोगों से जुड़े तो उनको जाके कमेंट ही करें, पहले आप उनको पढ़िए कि वो लिख क्या रहे हैं, है ना, उसकी समझ भी होना, उसकी समझ विकसित होना बहुत जरूरी है कि उन्होंने एग्जैक्टली लिखा क्या है, उसका मतलब क्या है। ये नहीं कि आप कुतर्क में कूद पड़े, जो युवा मन होता है ना वो कुतर्क में पहले कूद पड़ता है जी। तो कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए जी। तो मुश्किल नहीं है, ये युवा मन जो है बड़ा चंचल होता है, भटकता रहता है, और उनको हमेशा तर्क वितर्क करने की आदत होती है। तो जरूरी है कि हम विषय को समझें जी, व्यक्ति को समझें, विषय को समझें, एग्जैक्टली वो कहना क्या। और बड़ों में भी जरूरी है जी, जो बड़े हैं वो भी थोड़ा धैर्य रखें, वो ये ना माने कि युवा तो लिख नहीं पाएगा जी, ये बड़प्पन भी दिखाना जरूरी है, छोटों को अपनाना और साथ में लेना जरूरी, ये स्पेस देना, ये देखना जरूरी कि एटलीस्ट वो ट्राई तो कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना, तो ये मौका भी उनको देना चाहिए जी। सुजाता जी, जहां तक बात करते हैं हिंदी साहित्य की, बहुत समृद्ध है साहित्य हमारा, और आजकल लोगों का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है साहित्य की ओर, चाहे वो युवा ही क्यों ना हो, बहुत ज्यादा लोगों की साहित्य के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है। हिंदी भाषा की यदि हम बात करें, बहुत समृद्ध भाषा है, और उसमें तो बहुत लगातार 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 सृजन होता ही जा रहा है। पर यदि हम स्थानीय बोलियों की बात करते हैं, चूंकि आजकल लोग स्थानीय बोलियों के प्रति भी बहुत आकर्षित हो रहे हैं, बहुत लोग हैं जो हाथ आजमा रहे हैं स्थानीय बोलियों में साहित्य रचना कर रहे हैं, तो आप क्या सोचती हैं कि ये जो साहित्य, ये जो बोलियां हैं, उनका साहित्य में कितना योगदान रहता है? इस तरह से यदि स्थानीय बोलियों में कोई साहित्य की रचना कर रहा है तो समाज को उसका कितना योगदान मिलेगा, और क्या इसकी कुछ महत्व है भी या नहीं?
देखिए बिल्कुल बहुत महत्व है, बोलियों से ही भाषा बनी है। और यदि आप कबीरदास को पढ़ते हैं तो उनकी तो जो रचनाएं हैं उनमें तमाम बोलियां ही हैं, है ना। उन्होंने अलग अलग बोलियों से शब्द लिए, उनको हम सद्धुकड़ी भाषा कह देते हैं। और आधुनिक काल में आ जाए तो जो प्रयोगवादी हैं वो बोलते हैं प्रयोग कीजिए, जो प्रयोगवादी हमारे कवि हुए आलोचक हुए तो वही बोलते कि नए शब्दों का प्रयोग किया जाए, नए जगह से शब्द लिए जाए, जीवन से शब्द लिए जाए। तो मुझे लगता है कबीरदास जी प्रयोगवादी थे जी। उन्होंने बहुत प्रयोग किए, हर जगह से हर राज्य से वो बोली अपने शब्द ले लेते थे। तो बोली से भाषा निश्चित तौर पर समृद्ध होती है। आप देखिए अंग्रेजी आज हिंदी से शब्द ले रही है जी, बिल्कुल, है ना। तो मुझे लगता है भाषा को तो बिल्कुल बंधन मुक्त कर देना चाहिए, भाषा का लचकीलापन ही उसको जिंदा रख सकता है जी। जितनी वो फ्लेक्सिबल होगी उतनी ही वो लोगों के लिए उसको स्वीकारना आसान होगा जी, पहली बात। अब आपने कहा बोलियों में, तो मुझे लगता है कि हाँ, अब आप देखिए पंजाबी है या भोजपुरी है, वो आज दिल्ली मुंबई मुंबई में लोग सुन रहे हैं जी। सागर में मैंने देखा लोग पंजाबी गाने बहुत सुनते हैं, बुंदेलखंड के लोग। तो बोली कोई वैसे तो कोई सीमा है ही नहीं, देखिए वो अपने आप पहुंच जाती है। तो हमको बुंदेलखंड के लोगों को भी ये प्रयास करना चाहिए कि वो बुंदेली को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास करें। और वो हो भी रहा है कहीं ना कहीं, आजकल बहुत सी टीवी सीरियल हम देख रहे हैं जो जिनमें बुंदेली का प्रयोग किया जा रहा है। अप्पू की उल्टन पलटन कुछ है ना, ऐसे कुछ सीरियल है, उल्टन पलटन जी जी, है ना। तो उनमें हम देख रहे हैं बुंदेली का प्रयोग हो रहा है, जिनको देश भर के लोग देख रहे हैं। एक और सीरियल है, दो सीरियल हैं जो बुंदेलखंड पे भी एक सीरियल बना था, बेड़िया प्रजाति के लोगों के ऊपर था वो। अच्छा, उसका नाम तो मुझे अभी जहन में नहीं है। बाकी हाँ, ये तो सीरियल्स की यदि बात करें, फिल्मों की यदि हम बात करें तो उसमें तो लोग काफी पसंद करते हैं। पर यदि स्थानीय भाषा में, सॉरी स्थानीय बोली में, ना कि भाषा, स्थानीय बोली में यदि हम कोई साहित्य का सृजन करते हैं तो उसका भी साहित्य के लिए योगदान होता है, यानी आपका कहना ये है? हाँ बिल्कुल होता है योगदान, जो क्षेत्रीय बोलियां हैं उनका निश्चित तौर पर, क्योंकि वही तो उसको बचा के रख रही है। आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे फिर हम जी जी जी, है ना। तो भाषा के लिए भी योगदान है, संस्कृति के लिए भी क्षेत्रीय बोलियों का बहुत योगदान है जी। हमने प्रयास किया था प्रधाननामा में भी, हमारी ये कोशिश रही थी कि स्थानीय भाषा बुंदेलखंडी पर भी, जो बुंदेली क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों पर भी कुछ एपिसोड्स बनाएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि माधव शुक्ल मनोज जो हमारे सागर के बहुत फेमस साहित्यकार रहे हैं, उन पर भी हमने एक एपिसोड बनाया। और ईसुरी तो हमारे बुंदेलखंड के एक फेमस कवि हैं, उनको भी हम कोशिश करेंगे कि उन पर भी एक एपिसोड हम बना सकें। साथ ही और भी जो हैं हमारे यहाँ के बुंदेलखंड के जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन पर भी हमने प्रधाननामा के माध्यम से एक छोटी सी कोशिश की है कि उनके साहित्य को हम लोगों तक पहुंचा सकें। और सुजाता जी का भी यही कहना है कि बोलियां ही भाषा को समृद्ध बनाती हैं, यदि बोलियों में साहित्यिक रचना नहीं होगी तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। यानी आपका भी मानना है कि बोलियों में साहित्यिक, मतलब साहित्य को एक लंबा बड़ा योगदान होता है, विस्तार मिलता है जी। यदि हम हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य में संस्मरण भी एक अपने आप में एक बहुत अनूठी विधा है। संस्मरण का एक अच्छा खासा स्थान है हिंदी साहित्य में, पर इस विधा को बहुत कम लोगों ने छुआ है। तो इस विधा के बारे में आप क्या कहेंगे, क्यों ऐसा है कि संस्मरण लिखने वाले लोग कम मिलते हैं? आपकी यदि हम बात करें सुजाता जी, तो पसंदीदा संस्मरण लेखक कौन है और इस विधा को लोग क्यों थोड़ा सा कम छू पाते हैं? मुझे लगता है कि साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं एक दौर चलता है, किस युग में ज्यादा प्रधानता किसकी रहेगी, जो साहित्यकार भी ना वो भी कहीं ना कहीं फॉलो करता है कि ट्रेंड किसका चल रहा है। छायावाद में बहुत संस्मरण लिखे गए हैं, छायावाद युग में बहुत संस्मरण लिखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं आजकल जैसे कि आपने कहा कम लिखा जा रहा है, तो वही है कि थोड़ा तो धैर्य नहीं है, लोगों को उतना बारीकी से आप रीड नहीं करते। संस्मरण लिखने के लिए आपको अपने जीवन में आने वाले लोगों को बहुत ध्यान से रीड करना होगा। संस्मरण हो गए, रेखा चित्र हो गए, उनके लिए बहुत बारीक नजर चाहिए और भावनाएं चाहिए जी। आप बुराई नहीं कर रहे हैं, आप जजमेंट नहीं दे रहे, लेकिन आप अपने अनुभवों को उसमें बता रहे हैं कि आपका अनुभव कैसा रहा। तो कहीं ना कहीं वो धैर्य आपको चाहिए। अब मैं ये अपना व्यू दे रही हूँ, मेरा अपना ऐसा मानना है कि उतना धैर्य होना चाहिए कि आप अपने जीवन में आने वाले लोगों के साथ उस तरह इत्मीनान से वक्त बिताएं, उन्हें समझें, उनके जीवन की परिस्थितियों को समझें। मान लीजिए कि साहित्यकार पे लिखना है तो आपको उसकी पृष्ठभूमि समझनी होगी कि वो ऐसा है तो क्यों है जी। उतना सब्र लोगों में शायद नहीं है। दूसरा, लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं उपन्यास कहानी लिखो तो पाठक उसको आसानी से पढ़ेंगे, संस्मरण पढ़ने के लिए भी शायद उस तरह से पाठकों में जिज्ञासा नहीं होगी।
मुझे सबसे ज्यादा प्रिय तो महादेवी और वर्मा है निश्चित तौर पर। उनके रेखा चित्र और संस्मरण मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत भावुक हैं, बहुत इमोशनल हैं उनके। दूसरा आचार्य विनय मोहन शर्मा, जिन पर मैंने पीएचडी की है, वो भी आलोचक और संस्मरण लेखक है मुख्य रूप से। स्थानीय स्तर की यदि हम बात करें तो स्थानीय स्तर पर कांति कुमार जैन साहब जो है वो भी बहुत अच्छे, उन्होंने संस्मरण लिखे, कई किताबें उनकी पढ़ने में आई और आपने भी उनका जिक्र किया था कि उनका एपिसोड आपने देखा था। तो संस्मरण लिखने के लिए निश्चित तौर पर पेशेंस तो चाहिए ही, पठन पाठन बहुत अच्छा होना चाहिए। उनका मैंने दमड़ी दमड़ी माया जोड़ी शायद उन्हीं का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उन्होंने सिलेबस में था तो मैंने पढ़ा था, पढ़ाया था जी हरि सिंह गौर जी के बारे में। देखिए उस तरह का नजरिया चाहिए कि जब हरि सिंह गौर जी वो सिक्का ढूंढ रहे हैं तो वहाँ उनकी नजर है कि वो समझ रहे हैं कि वो क्यों ढूंढ रहे हैं। यदि वो नजरिया नहीं होगा तो आप उस व्यक्ति की उस प्रवृत्ति को बोलोगे कंजूस है। बिल्कुल बात है कि आपका अपना नजरिया भी होना चाहिए कि देखिए इसने एक एक जो पाई है वो बचाई है तब यूनिवर्सिटी बनाई है। तो वो उनके उस सिक्का ढूंढने का जो सिक्का गिर गया है और हरि सिंह गौड़ जी वो सिक्का ढूंढ रहे हैं तो उस पे वो कह रहे कि इन्होंने एक एक दमड़ी जोड़ के इसी तरह से विश्वविद्यालय बनाया है। इनको लगता है कि एक दमड़ी कम ना पड़ जाए जी। तो वो एक दमड़ी भी जो है वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन यदि आपके पास ऐसा नजरिया नहीं होगा, जो आज की पीढ़ी है उसमें सब्रे नहीं है, वो बोलेगा अरे अरे क्या है, क्यों ढूंढ रहे हैं सिक्का। बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि एक तो वो धैर्य चाहिए कि आप सामने वाले को उस तरह से रीड कर सकें जी, कि वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो ये चाहिए, संस्मरण लिखना है या रेखा चित्र लिखना है तो आपको ये दमड़ी दमड़ी जोड़कर, ये जो आपने बात करी और चूंकि आप भी उस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जहां पर डॉक्टर हरि सिंह गौर का कारण ही पूरा सागर का नाम पूरा हरि सिंह गौर के कारण ही इतना फेमस है, तो उनकी ही बात हम करते हैं, उनका ही जिक्र हम करते हैं कि शिक्षाविद, न्यायविद, दार्शनिक और साहित्यकार डॉक्टर हरि सिंह गौर के जीवन वृत्तांत पर आपने एक बहुत विस्तृत लेख लिखा है। तो यदि उनकी हम बात करें तो उनकी जिंदगी के उनके ऐसे कौन से पक्ष हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा प्रभावित रही हैं गौर साहब के? हाँ, एक्चुअली जब मैं दिल्ली से सागर आई तो मैंने देखा यहाँ उनकी कई जगह मूर्ति लगी हुई थी है ना, और लोग उनको बहुत मानते हैं। जहाँ मैं नौकरी करती थी वहाँ, जहाँ मैं शहर में रही, मनोरमा में रही, तो मैंने देखा लोग बहुत मानते थे उनको। साहित्यिक कार्यक्रमों में गई तो मैंने देखा हरि सिंह गौड़ के प्रति लोगों में अपार श्रद्धा है। मैं सोच रही थी ये व्यक्ति कौन है, ये सज्जन कौन है, क्योंकि हमने दिल्ली वगैरह में क्या देखा है आमतौर पर जी। या तो क्रांतिकारियों की मूर्तियां लगी होती हैं, बिल्कुल है ना, या लोग धर्म गुरुओं के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं। किसी शिक्षाविद दार्शनिक का इतना फेमस इतना उसके प्रति श्रद्धा भाव रखना कोई शिक्षाविद के प्रति, तो ये मेरे लिए थोड़ा आश्चर्य भी था। तो मैंने उनके बारे में जानना चाहा। फिर मैं जहाँ पहले कॉलेज में पढ़ाती थी वहाँ हमने तय किया कि हम अपनी कॉलेज की मैगजीन उन्हीं पर केंद्रित करके निकालेंगे। तो फिर मैंने उन पर काफी रिसर्च की और उस दौरान मैं खुद शनिचरी उनके आवास पर गई जहाँ उनका आवास था पुराना, वहाँ गई, वहाँ जाके लोगों से मिली, बातचीत की, उनके बारे में तमाम लेख पढ़े, काफ़ी पढ़ा उनकी एक जीवनी सेवन लाइफ वो भी पढ़ी। और फिर मैं चतुर्भुज सिंह राजपूत हैं, बहुत वरिष्ठ वकील हैं जी, जी, उनका मैं साक्षात्कार लेने गई, उनके पास बहुत जानकारी थी जो तीन बत्ती पे मूर्ति लगी है जी। तो मैं उनके पास गई, उनके मैंने दो दिन मैंने उनसे उनका साक्षात्कार लिया तो काफ़ी जानकारी मैंने जुटाई और मैं खुद फिर उनके प्रति आज बहुत श्रद्धा भाव है सर गौड़ के प्रति मेरे मन में, क्योंकि जो जानकारी मुझे मिली उससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि शनिचरी टोरी आज भी कोई बहुत सुव्यवस्थित मोहल्ला नहीं है। बिल्कुल, एक छोटा सा मोहल्ला है जहाँ पर बहुत कंजेस्टेड, कोई सुविधा नहीं है। तो आप सोचिए उस समय कैसा रहा होगा जी। बिल्कुल, और जीवन की आधारभूत सुविधाओं के अभाव में कोई विद्यार्थी वहां से निकल के कैम्ब्रिज जाता है, पढ़ता है और वापस आके वो इतना मतलब अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से इतना अर्जित करता है, फिर अपनी ही संपत्ति से अपने ही जिले के लिए एक विश्वविद्यालय बनाता है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। खुद उन्होंने ही लिखा है कि मायने नहीं रखता कि आप क्या कमाते हैं, मायने रखता है कि आप क्या जोड़ते हैं जी, सर गौड़ ये कहते थे। तो ये सच्चाई है, ये उनके जीवन का सच है, यानी वो जो कह रहे थे वो जी भी रहे थे जी। कि उन्होंने जो कमाया वो तो कैम्ब्रिज जाना, वहां से आके अलग अलग पदों में रहे, वो तो उन्होंने अर्जित कर ही लिया था जी। पर उन्होंने दिया क्या सागर को कि आप आज आप देखिए कि ना सिर्फ सागर संभाग बल्कि देश भर से विद्यार्थी यहाँ आके पढ़ रहे हैं और सैकड़ों लोग तो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं जी। तो कितना विजनरी होंगे वो, और यहाँ के कुछ डिपार्टमेंट्स तो इतने ज्यादा फेमस है कि विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ पर शोध करने के लिए। बहुत प्रेस्टीजियस यहाँ के कुछ विभाग हैं, जियोलॉजी विभाग आप देखिए जो यहाँ का है, हर साल पूरा का पूरा डिपार्टमेंट रिक्रूट हो जाता है। भाषा विभाग आप देखिए, यहाँ के कुछ वैज्ञानिक है जो अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेवल पे उनको रिकॉग्निशन मिला है, तो ऐसा है यहाँ का जी। तो ये तो निश्चित तौर पर उनका ही देन है, सर गौड़ की। मतलब यदि डॉक्टर गौड़ नहीं होते
तो इस सपनों का जो हमारा विश्वविद्यालय है, जिसने पता नहीं कितने सारे लोगों के लिए एक रास्ता खोल दिया था, मेरे फादर हमेशा ये बात करते हैं, वो भी साहित्यकार हैं, और वो हमेशा ये बात करते हैं कि मैं तो साइकिल पे चलता था और इतने पैसे ही नहीं होते थे कि पढ़ाई लिखाई कर सके। यदि डॉक्टर गौर ने ये विश्वविद्यालय नहीं बनाया होता तो शायद ही है कि मैं एमएससी कर पाता, मैं शिक्षक शिक्षण फील्ड में आ पाता और आज जो भी हूँ सिर्फ डॉक्टर गौर के कारण ही हूँ। सागर की जो सागर के लोगों की भी एक ये विशेषता है कि उन्होंने किसी के योगदान को इस तरह से याद रखा है। बाकी शहर के लोगों में भी ये प्रवृत्ति होनी चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाकी शहरों में ऐसे लोग नहीं होंगे जिन्होंने शहर के लिए कुछ किया हो। बात है कि लोग भूल जाते हैं, तो सागर के लोगों का भी ये बड़प्पन है कि उन्होंने हरि सिंह गौर जो है, डॉक्टर हरि सिंह गौर को अपने दिल में ईश्वर की तरह बसा के रखा। और मुझे लगता है अगर पूजना ही है तो ऐसी व्यक्ति को पूजना चाहिए जिसने सच में आपके लिए कुछ अच्छा किया। उनकी जिंदगी का ऐसा कोई पक्ष जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहें, चूंकि आपका बहुत अध्ययन है डॉक्टर गौर के ऊपर, तो ऐसा कौन सा पहलू, ऐसा कौन सा पक्ष है जो लोगों को जानना बहुत जरूरी है? मैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित इसी पहलू से हुई, क्योंकि मैं देखिए मैं दिल्ली से पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं देखती हूँ तमाम सुविधाएं हैं विद्यार्थियों के लिए। सागर में तो अभी भी बहुत काम खैर होना है, अभी भी बच्चे बेचारे पैदल चलते रहते हैं। तो मैं सबसे बड़ा उनका जो एक योगदान देखती हूँ, यही देखती हूँ कि एक तो खुद को उठाया जी। अपनी परिस्थितियों से, अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से खुद को उठाया और फिर अपने समाज के लिए भी करके गए। वो चाहते तो नेता बन सकते थे, जो ज्यादातर लोग करते सफल होने के बाद कि राजनीति में आ जाते हैं, फिर उनके वंशज राजनीति में आ जाते हैं, लोग यही करते हैं जी। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिया, जो समर्पण है, जो त्याग है, जो देने की भावना है, वो यदि कोई सीखे तो डॉक्टर गौर से सीखे। और ये उनकी जिंदगी का सबसे अहम पक्ष है, पहलू है जो लोगों को देखना और इसीलिए वो पूजनीय है, इसीलिए श्रद्धा के पात्र है जी। मतलब कहते हैं डॉक्टर कांति जब सुनते हैं तो ये कहते हैं कि थिगड़े लगाकर कपड़े पहन लिया करते थे, बूट यदि उनका फट जाया करता था उसको सिल लेते थे। मतलब तो सच में दमड़ी दमड़ी वो चांसलर वो रहा है, ये इतने प्रतिष्ठित पदों पर रहे हैं, तो वो तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे, क्या कुछ नहीं खरीद सकते थे, पर उन्होंने सारी चीजें अपने विश्वविद्यालय के लिए, मतलब सच में वो दमड़ी दमड़ी बचा रहे थे जी। और आज भी आप देखिए उनके कोई पुरखे, उनके कोई आने वाले वंशज कोई सुख नहीं भोग रहे, नहीं भोग रहे बिल्कुल, उनकी आने वाली पीढ़ियों ने कोई सुख नहीं भोगा, उन्होंने सिर्फ दिया है। तो ऐसा देने दाता, और सीखने योग है। ऐसा दाता जी हर कोई बन नहीं सकता, इसीलिए वो श्रद्धा के पात्र है जी। सुजाता जी, विभिन्न अखबारों में लिखी हुई आपकी बहुत सारी समीक्षाएं पढ़ी हैं और ये पाया कि आप समीक्षा विधा में और आलोचना विधा में सिद्धहस्त हैं। तो सबसे पहले हमारे जो युवा राइटर्स हैं वो आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि एक अच्छा समीक्षक होने के लिए, एक अच्छा आलोचक होने के लिए किन किन पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी होता है, और वो व्यक्ति जो समीक्षक या आलोचना का काम कर रहा है उसमें भी पर्सनली किस तरह का उसका नजरिया होना चाहिए, उसका दृष्टिकोण किस तरह का होना चाहिए? जी वृंदा जी, पहले तो मैं स्वयं को सिद्धस्त नहीं मानती, क्योंकि अभी मैं शुरुआत ही कर रही, युवा हूँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर सीख ही रही हूँ जी। तो समीक्षा मेरा अभी बस हाथ अभी जमी रहा है जी, बहुत कुछ सीखना है। अब यदि मैं अपनी बात करूं तो निश्चित तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल मेरे मनपसंद आलोचक हैं, क्योंकि मैंने आलोचना क्या होती है, समीक्षा क्या होती है, सबसे पहले उन्हीं को पढ़कर जाना कि किस तरह का स्पष्टवादी आलोचना होनी चाहिए, कितनी बेबाकी, कितनी स्पष्टवादिता, कितनी तथ्यात्मकता चाहिए आलोचना के लिए। लेकिन आगे आके हम देखते हैं ऐसे जैसे आचार्य नंदलाल वाजपेयी जी सागर विश्वविद्यालय, इनकी आलोचना छायावाद को यदि आपको विस्तार में समझना है, उसकी व्यापकता में समझना है, तो इनसे बेहतर आलोचक कोई नहीं हो सकता, आचार्य नंदलाल वाजपेयी जी से बेहतर। डॉक्टर निर्मला जैन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, ऐसे अनेक आलोचक हैं जिनको मैंने पढ़ा जी, अध्ययन के दौरान पढ़ा, विद्यार्थी जीवन से पढ़ना शुरू किया और मैंने जाना कि आलोचना के कितने स्वरूप हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आलोचना, जैसे कि आपने कहा कि आलोचना के लिए क्या होना चाहिए, मुझे लगता है कि आपको तमाम तरह की विचारधाराओं की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन समर्थक किसी का भी नहीं होना चाहिए जी। आपको पता होना चाहिए कि प्रगतिवादी आलोचना क्या है, आपको पता होना चाहिए राष्ट्रवादी क्या है, आपको सब पता होना चाहिए कि किस लेखक ने क्या लिखा है, आपको पता होना चाहिए निश्चित तौर पर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि साहित्य में जो लेखक है वो किसी ना किसी विचारधारा से प्रभावित होकर ही लिखता है। लेकिन आलोचक का काम नहीं है कि वो किताब की या जो आलोचना कर रहा है तो अपनी विचारधारा को लेके बैठे जी। तो यदि मैं जब किसी किताब को पढ़ती हूँ तो मैं पहले उस किताब को सिर्फ पढ़ती हूँ एक पाठक के नज़रिए से, और उसको मैं देखती हूँ कि इससे मुझे क्या मिल रहा है, उसकी कौन सी बात ने मेरे मन को छुआ,
क्योंकि मेरा एक स्वभाव है, मैं फिर निशान लगा लेती हूँ कि यार ये लाइन बहुत अच्छी है, ये इससे मुझे ये सबक मिलता है कि हाँ लाइफ में इससे एक प्रेरणा मिलती है। तो मैं पहले यही देखती हूँ कि वो किताब वो लेखक कह क्या रहा है, और निश्चित तौर पर क्योंकि विचारधाराओं को पढ़ा है, अलग अलग आइडियोलॉजी को पढ़ा है, तो तुरंत ये जान जाती हूँ कि जो राइटर है ये किस दिशा में जा रहे हैं। यदि वो गरीबी पे लिखा है तो गरीबी का वर्णन करते हुए क्या प्रगतिवाद पे जा रहे हैं या वो आदर्शवाद पे जा रहे हैं, ये मुझे तुरंत मैं समझ जाती हूँ क्योंकि उतना उस तरह से पढ़ा है। तो ये मैं देखती हूँ कि वो कहना क्या चाहते हैं। अब वो जो बातें हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से ही पुस्तक में होती हैं, डायरेक्टली कोई लेखक नहीं लिखता कि वो किस विचारधारा में है। वो कुछ बातें होती हैं जिससे आप समझ जाते हो कि ये इस विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो किसी विचारधारा को फॉलो करना गलत नहीं है। तो आलोचक को सबसे पहले इस चीज़ से निकलना होगा कि वो ये सोचे कि अच्छा ये इस विचारधारा का है तो मैं यहीं पे इसको खारिज कर देता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। आप पढ़िए, आप देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जो लेखक है वो कुछ कहना चाहता है, तो उसी हिसाब से उसको देखिए और सही गलत के हिसाब से उसको देखिए कि नैतिक अनैतिक क्या है, सही गलत क्या है, वो आप निश्चित तौर पर देखिए, लेकिन अपना एक पूर्वाग्रह लेकर मत चलिए। मेरे एक जयपुर में मेरे एक प्रोफेसर हैं संस्कृत के, बसंत जेटली जी, उन्होंने मुझे एक बार बहुत पहले कहा था, सुजाता दिमाग खुला रखो जी। तो ये आलोचक के लिए बहुत जरूरी है कि दिमाग खुला रखे, सब कुछ अडॉप्ट करना उसे है जी। उसको ये नहीं होना चाहिए कि मेरी ये विचारधारा है और ढक्कन अब बंद, इसके बाहर का मैं कुछ अब इसमें आने नहीं दूंगा, ये नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, यानी बहुत गहनता से हमें चीजों को समझना होगा, देखना होगा बारीकी से, और दिमाग को खुला रख के सब चीजों को ग्रहण करना भी जरूरी है, स्वीकार्य भाव सबके विचारों का आमंत्रण जरूरी है कि स्वीकार्यता जी। बिल्कुल। तो बात कर रही थी, आपने बताया कि आपके पसंदीदा लेखक, आपके पसंदीदा समीक्षक और आलोचक कौन है, तो ये और जरूरी हो जाता है कि जब आप किसी किताब की समीक्षा कर रही होती तो उस समय आपका दृष्टिकोण क्या रहता है। मैं निश्चित तौर पर पहले तो उस किताब को ही पढ़ती हूँ, जैसा कि मैंने बोला कि मैं पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ कि लेखक कहना क्या चाहता है। यदि घुमा फिरा कर एक ही बात कोई कह रहा है या कोई स्वयं ही घोषित, आजकल के कुछ कवियों को मैं देखती हूँ वो स्वयं घोषित कर देते हैं कि हम उपन्यास लिख रहे हैं, वो उपन्यास लिख ही नहीं रहे होते, उनको ये नहीं पता होता कि उपन्यास क्या है, तो मैं वहीं पर खारिज कर देती हूँ कि उपन्यास नहीं है जी। तो ये एक मैं पहले देखती हूँ कि जो साहित्यकार है वो लिख क्या रहा है, और यदि वो खुद ही अपने बारे में एक सर्टिफिकेट, ये पाठक को डिसाइड करने दीजिए कि आपने कहानी लिखा है कि उपन्यास लिखा है जी। एक समीक्षा के लिए मेरे पास एक पुस्तक आई थी, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने स्वयं घोषित कर रखा था कि मैं उपन्यास लिख रहा हूँ, लेकिन वो उपन्यास नहीं थी, वो मेरे ख्याल से आत्मकथा ज्यादा थी जी। है ना, फिर उपन्यास में करेक्टर होते हैं, उसमें करेक्टर थे ही नहीं, जीवन में आने वाले लोगों के बारे में लिख देने से उपन्यास नहीं बनता है। तो ये मैं देखती हूँ कि लेखक पहले कितना मैच्योर है वो जो लिख रहा है, दूसरा वो जो कह रहा है उसमें कुछ नयापन भी दे रहा है या नहीं दे रहा, कोई जो मैसेज समाज के लिए वो दे रहा है, पाठकों के लिए दे रहा है, उसका क्या उपयोग है, या वो केवल अपना दुख ही बता रहा है। मुझे राइटिंग में एकदम बिल्कुल ये नहीं पसंद कि आपका जो पाठक है वो पढ़ के उठे और उसके बाद वो ये सोचे कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। नहीं, किताब ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने के बाद वो सोचे कि कुछ हमने अच्छा पढ़ा जी। है ना, चार घंटे पढ़ो और उसके बाद निराशा में डूब जाओ तो वो मैं ऐसी साहित्य को उपयोगी नहीं मानती जी। या जो समाज में रोजमर्रा में हो ही रहा है, आजकल वो चल रहा है कि जो समाज में रोज हो रहा है, जो अभी जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं आप देख रहे हो, अंग्रेजी में हो, आप चेतन भगत को देखिए, जो भी अभी के जो राइटर हैं वो वही लिख रहे हैं जो रोजमर्रा के जीवन में हो रहा है। तो जो रोज हो रहा है वो आप पढ़ रहे हैं, आपको रुचि तो मिल रही है लेकिन आपको उससे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा, सिर्फ आपको मनोरंजन ही मिल रहा है। तो ये मैं जरूर देखती हूँ कि लेखक जो लिख रहा है उसका जीवन अनुभव है और उसका अध्ययन कितना गंभीर है कि उससे सब पाठक को कुछ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, ये मैं अवश्य देखती हूँ, विचारधारा में नहीं देखती जी। सुजाता जी, एक और महत्वपूर्ण बात, कवि पद्माकर हमारे शहर से हुए हैं और उनके कारण हमारे शहर को जाना भी जाता है, कवि पद्माकर, कवि ईसुरी के कारण हमारा ओहदा, हमारा कद बड़ा बढ़ जाता है, जब लोग कहते हैं अरे सागर के हो, कवि पद्माकर की भूमि के हैं आप, सर हरि सिंह की भूमि के हैं आप, तो बड़ा अच्छा लगता है, अपने आप में गर्व महसूस होता है कि हम ऐसी वसुधा के हैं, ऐसी भूमि में हमने भी जन्म लिया। बात कवि पद्माकर की करूंगी, जिक्र उनका ही करना चाहूंगी, बसंत का बड़ा अच्छा चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया है। तो पथरिया हिल्स पर बसे सागर, जो हरि सिंह विश्वविद्यालय है, जब आप वहां पर आप जाती हैं तो बड़ा खूबसूरत सा मंजर है वहां का, हरि सिंह विश्वविद्यालय का। तो कवि पद्माकर ने जिस बसंत का वर्णन अपने काव्य में किया है, तो आप इस विश्वविद्यालय और उनका कंपैरिजन करके कभी ऐसा लगता है कि ये जो वर्णन है उसी के लिए किया गया हो विश्वविद्यालय के लिए, कभी पद्माकर? हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि साहित्य की विद्यार्थी हूँ,
तो रीतिकाल तो हमने पढ़ाई है, बीए में एमए में अरबी में पढ़ा भी रहे हैं, और निश्चित तौर पर मैंने इतनी खूबसूरत बारिश कभी देखी नहीं थी। अगर मैं बारिश की बात करूँ, ऋतु वर्णन जो हमारे जितने भी रीतिकालीन कवियों ने किया है या पद्माकर ने किया है, तो मैंने इतनी खूबसूरत बारिश कभी नहीं देखी थी जितनी मैं यहाँ बारिश देखती हूँ। नॉन स्टॉप 3-3 दिन तक बारिश होती है और अच्छी बारिश होती है। मैं अपने घर वालों को फ़ोन पे दिखाती हूँ तो वो भी बहुत हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ऐसा तो कालिदास ने भी लिखा था ऐसी बारिश के बारे में, ऐसी बारिश के बारे में पद्माकर ने लिखा था, तुम लोग ऐसी बारिश साक्षात देख रहे हो। तो यानी कभी पद्माकर ने जो बसंत का वर्णन किया, बसंत के बारे में जैसे कि आपने बात की, तो निश्चित तौर पर क्योंकि मैं तो जो मेरा अभी जो आवास है वो कैंपस में ही है विश्वविद्यालय के, तो वसंत ऋतु का जो उन्होंने वर्णन किया वो निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय उतना खूबसूरत है, ऐसा लगता है सब हमारे आसपास ही है, सब कुछ हमारे आसपास से उठाकर निश्चित तौर पर। और मैं ये सोचती हूँ कि कहीं घूमने जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में एक पिकनिक स्पॉट है विश्वविद्यालय, खूबसूरत वादियां घाटियां यही, क्योंकि हम दिल्ली के हैं, आप लोग आए दिन न्यूज में देखते होंगे, हमें जमाना हो गया था आकाश देखे हुए, हमेशा ऊपर नजर उठाओ तो धुंध दिखती रहता है, धुंध रहता जी। यहाँ आके मैंने इतने तारे देखे, चांद एकदम स्पष्ट दिखता है, तो मैं तो सागर की जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ के लोगों ने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को बचा रखा है। पता नहीं उनको इसका कितना बोध है या नहीं है, लेकिन हम जो बाहर से आए हैं, हमारे लिए तो हम ये सोचते हैं कि अभी दिवाली थी तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि इसे टूरिस्ट प्लेस बना देना चाहिए, लोगों को बुलाएं और दिखाएं कि देखो दिवाली के बावजूद भी कोई धुआं नहीं है, अगले दिन ही सब बिल्कुल क्लियर। तो ये हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही एक सुखद है ये बात कि हम ऐसे जगह आके रह रहे हैं जहाँ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, हमने दिल्ली में तो इसकी हमने कल्पना ही नहीं। चलिए दिल्ली की आप बात कर रही हैं तो अब मेरे मन में ये प्रश्न आता है, दिल्ली जैसे महानगर से आप आई तो सागर की ऐसी कौन सी बात थी जो दिल्ली से आपको यहाँ खींच लाई, काफी दूरी है दिल्ली और सागर में, तो सागर की ऐसी कौन सी बात थी जो आपको यहाँ पर खींच रही और आप यहीं पर आकर बस गए? हाँ निश्चित तौर पर वो गालिब ने कहा है ना, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया जी। तो वरना हम भी आदमी थे काम के, तो मेरा विवाह हुआ, मेरे जो पतिदेव हैं वो सागर विश्वविद्यालय में ही हैं, ईएमआरसी विभाग में ग्रेड वन अधिकारी हैं। तो विवाह के बाद तो फिर मैं यहाँ आई हूँ, थोड़ा शुरू में मुझे मुश्किल लगा निश्चित तौर पर, मुझे लगा कि कहाँ आ गए लोग, दिल्ली से ब्याह करके सिंगापुर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और आप मुझे सागर ले आए। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति है कि मुझे दिल्ली जाने का मन नहीं करता, यहाँ इतनी ऑक्सीजन है, इतनी हरियाली है और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। जब मैं यहाँ के साहित्य जगत से जुड़ी, अब तो मेरे यहाँ पे लोकल फ्रेंड्स भी हैं, पहले नहीं थे, तो निश्चित तौर पर अजनबीपन लगता था जी, बहुत अजीब लगता था, लेकिन अब ऐसा है कि यहाँ मन लग गया है, अब दिल्ली जाने का मन नहीं करता, अब लगता है कि नहीं मम्मी अब तो यहीं रहना है। साहित्यिक माहौल की यदि हम बातचीत करते हैं तो चूंकि विश्वविद्यालय की परिषद में आप रह रहे हैं और यूं भी यदि हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोगों का जो साहित्यिक पक्ष है, साहित्य में रुझान है, वो किस तरह का है, आप क्या पाते हैं? मुझे तो बहुत हेल्दी यहाँ का एक एनवायरनमेंट लगा। मैंने जो निश्चित तौर पर क्योंकि मैंने दिल्ली में जो देखा, मैंने देखा वहाँ लॉबिंग ज्यादा है, ये सब ज्यादा चलता है, वैचारिक गिरोह या गुटबाजी ज्यादा चलती है। मुझे यहाँ पे ना पारिवारिक माहौल ज्यादा दिखता है यहाँ के साहित्यकारों में जी, है ना, वो आपको बेटी बना के बहू बना के वो यहाँ के शायद समाज में ही है जी, है ना, कि वो अच्छा ये हमारी बहू जैसी है, वो आपको मतलब बहुत अच्छे अपनापन देते हैं, आप यू फील सिक्योर, है ना, वरना साहित्य जगत में ऐसा माहौल मिलना बहुत मुश्किल होता। तो कंपटीशन है पर हेल्दी कंपटीशन है जी, वो आपको आगे से ही बोलेंगे आप बेटी हो तो वो आगे से आपको वैसे ट्रीट करते हैं बेटी और बहू की तरह, तो ये सबसे अच्छा मुझे पहलू लगा। लोगों की यदि हम बात करते हैं सागर के, तो आपको क्या लगता है कि पठन पाठन में, साहित्य गतिविधियों में यहाँ के लोगों का रुझान आपको क्या लगा कि किस तरह का रुझान है? हाँ जब मैं नई नई आई थी तो मैं बिल्कुल मुझे लगा था कि यहाँ कोई पढ़ता भी नहीं होगा जैसा, क्योंकि इतना मैं सागर के बारे में नहीं जानती थी, तो मैं इनसे कहती थी कि अपने हस्बैंड से कहती थी कि मैं यहाँ मैं कैसे किसी से बात करूँगी, लेकिन धीरे धीरे मैं यहाँ के साहित्यिक जगत से जुड़ी, यहाँ का जो साहित्यिक समाज है बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ काफी अच्छे यहाँ के साहित्यकार हैं, प्रोफेसर लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, एक से एक विद्वान है सागर में आज भी जी, बिल्कुल है ना, प्रोफेसर सुरेश आचार्य जी को देखिए, अशोक मिजाज जी को आप देखिए, डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी को आप देखिए, शरद सिंह जी को आप देखिए, है ना, सब जो है जो मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इनका एक नाम है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलिए मतलब यहाँ भी लोग हैं लिखने वाले, लेकिन बाद में देखा पढ़ने वाले भी है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर ऐसे अनेक जो सांस्कृतिक साहित्यिक संस्थाएं हैं, मंच है, पाठक मंच हो गया, श्यामलम कला हो गया, प्रगतिशील लेखिका संघ है, बहुत से ऐसे संघ है, ऐसे मंच है जो युवाओं को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये जानने चाहूंगी कि आपको क्या लगता है युवाओं के बारे में, क्या आपके विचार हैं कि यहाँ के जो युवा हैं उनकी साहित्य में किस तरह की रुचि है, और रुचि है भी या नहीं? हाँ ये मैं बिल्कुल इस चीज को मैं अनुभव करती हूँ कि
विश्वविद्यालय में तो फिर भी ऐसे विद्यार्थी हैं, क्योंकि मैं इससे पहले प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाती थी, विश्वविद्यालय में तो फिर भी ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ाई में अच्छे हैं, जो लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय में क्योंकि निश्चित तौर पर कंपटीशन है, अच्छे विद्यार्थी ही यहाँ एडमिशन ले पाते हैं। लेकिन मुझे सागर संभाग में उस तरह के युवा कम दिखते हैं। कहीं ना कहीं मेट्रो सिटी को जो फॉलो किया है, तो मेट्रो सिटी को उन्होंने ग्लैमर में ज़्यादा फॉलो किया है, या शायद ऐसा मैसेज जाता है कि बड़े शहर मतलब ऐसा, तो उन्होंने उस तरह का ड्रेसिंग सेंस अपनाया है, उस तरह के हेयर स्टाइल अपनाए हैं, उस तरह का है ना टिकटॉक वीडियो बनने लगे थे पूरी, जो पीछे पहाड़ी है मैं देखती थी, दिन भर शूटिंग चलती रहती थी, तो उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा अडॉप्ट किया है। और उसकी वजह शायद ये हो सकता है कि समाज में उस तरह का शैक्षणिक माहौल नहीं हो, वो विकसित करना बहुत ज़रूरी है कि समाज में वो हेल्दी एक इन्वायरमेंट हो, कि बच्चे भी पढ़ाई की तरफ जाएं। तो एक जो बड़ा युवा वर्ग है उसको मैं देखती हूँ, वो ग्लैमर में ज़्यादा अट्रैक्शन है उसका जी। एक जो बड़ा युवा वर्ग है वो मिस सागर मिस्टर सागर में जा रहे हैं, या डांसिंग में जा रहे हैं, डांडिया में जा रहे हैं, फोटोग्राफी में जा रहे हैं। दूसरा एक वर्ग है जो सच में लिख पढ़ रहा है, जैसे कि प्रधाननामा जो चल रहा है वो युवा ही है, वरुण प्रधान जी जो उनका साहित्य सागर आया, या साहित्य सारथी अभी आने वाला है, तो वो युवा हैं। तो ऐसे युवा हैं निश्चित तौर पर, तो होस्ता वरुण प्रधान जी को देखकर कुछ और लोग प्रेरित हों जिनमें ये प्रतिभा हो, पर वो बेचारे ना सामने आ पा रहे हों, है ना। लॉकडाउन पीरियड को यदि किसी ने सबसे अच्छा उपयोग किया है, आपदा को यदि किसी ने अवसर में बदला है, तो वो प्रधाननामा है। देखो लॉकडाउन के उस विपत्ति काल में भी बल्कि वही उसी वक्त शुरू ही हुआ था, लोगों के पास साधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, जो प्रधाननामा जो चला रहे थे, साहित्य सागर जो चला रहे थे वरुण जी, उनसे सिर्फ फोन पर बात हो रही थी सबकी, वो किसी के घर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन लगा था जी। लोग फोन पर ही खुद रिकॉर्ड करके उनको फोन से ही भेज रहे हैं, मेल से कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, और आप देखिए आपदा को अवसर में बदलना जो कहा जाता है जी, वो उन्होंने किया। और साहित्यिक गतिविधियां रुकी नहीं, तो केवल साहित्य सागर के कारण नहीं रुकी, चलता रहा जी। तो ये बहुत बड़ा एक योगदान मैं मानती हूँ प्रधाननामा का जी। बहुत धन्यवाद, और खुशी हो रही है कि आप जैसे लोग प्रधाननामा चैनल को देखते हैं और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं, तो निश्चित ही ये एक हमारे लिए एनर्जी पिल्स का काम करेगा डेफिनेटली। नहीं तो कुल मिलाकर बात यह है कि यदि उन्हें सही गाइडलाइन मिल जाए, सही मार्गदर्शन, कुछ चीजें तो मुझे लगता है खुद से भी होती है कि आप खुद क्या करना चाहते हैं। परिवेश बहुत मायने परिवेश रखता है। जी, तो ये खुद की समझ पे भी निर्भर करता है, लोगों के पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी निर्भर करता है, सराउंडिंग पर भी चीजें निर्भर करती हैं। बाकी अच्छा महसूस होता है जब सागर की युवा बढ़ते हैं और साहित्य की तरफ भी उनका रुझान होता है। सुजाता जी, वक्त कम है, ज्ञान के अथाह महासागर में डुबकी लगाने का तो मन हमारा कर ही रहा है, बाकी समय का थोड़ा सा देखते हुए हमें अपनी बात को यहाँ पर खत्म करना होगा। और मैं लास्ट में आपसे यही पूछना बोलना चाहूंगी कि युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि साहित्य में वो किस तरह से आगे आ सकते हैं, किस तरह से वो कार्य कर सकते हैं, और शुरुआत यदि वो कर रहे हैं इस क्षेत्र में आने की, तो किन किन राइटर्स को उन्हें पढ़ना चाहिए, किन किन पुस्तकों को उन्हें पढ़ना चाहिए शुरुआती दौर ना? मुझे लगता है कि युवाओं को कविता तो क्योंकि वो स्वयं लिख लेते हैं, पर अच्छे कवियों को भी पढ़ना चाहिए। और यदि हम किताबों की बात करें कि गंभीर लेखन यदि उनको समझना है या जीवन को समझना है, नरेंद्र कोहली जी का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी, महासमर, 8 भागों में उनका लिखा है महासमर, उसको यदि आप पढ़ लेते हैं निश्चित तौर पर आप पूरे जीवन को समझ जाएंगे। महाभारत को उन्होंने वर्तमान जीवन जगत से जोड़ते हुए लिखा है जी, और मैंने पढ़ा, मैं तो हैरान रह गई, मतलब बहुत आपका जीवन के प्रति नजरिया ही बदल जाएगा, आप बहुत सी चीज़ों को समझने लगेंगे, आप क्रिया की प्रतिक्रिया समझने लगेंगे, आप जानने लगेंगे क्यों होता है, किस लिए होता है, वो एक आपको एक अलग ही आपका नजरिया विकसित कर देंगे यदि आप नरेंद्र कोहली जी का खास तौर से महासमर पढ़ लेते हैं तो। बहुत अच्छी भाषा में, कोई बहुत कठिन भाषा नहीं है उनकी। और मैं ये मानती हूँ कि रामचरितमानस को भी यदि आप पढ़ रहे हैं या महाभारत को भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसको धर्म से जोड़कर मत पढ़िए, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। हमने पता नहीं क्यों उनको हिंदू धर्म ग्रंथ का ही ग्रंथ घोषित कर दिया और ये कह दिया कि सिर्फ हिंदू पढ़ते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप देखिए हर परिवार को पढ़ना चाहिए, आप जो उसमें कथा है 4 भाइयों की, क्या समाज में नहीं है वो स्थिति, बल्कि हम राम को पूज रहे हैं, पर वैसे परिवार बचे कितने हैं कि अपने भाई के लिए सब छोड़ के चले जाए, माता के कहने पर पत्नी को लेकर चले जाए, कौन पत्नी मानेगी जी? बिल्कुल, तो सीता जैसी कोई स्त्री मिलेगी क्या आपको? तो हम उनको पूज अवश्य रहे हैं, लेकिन क्या समाज में वैसे लोग हैं सच में जी? हम बोलते हैं राम जैसा बेटा होना चाहिए, लेकिन क्या राम जैसा बेटा हो है सच में कि सौतेली माँ ने कहा तो वो चल दिए?
पत्नी भी साथ चल पड़ी सब कुछ छोड़कर, और भाई भी साथ चल पड़ा कि मैं भी चल रहा हूँ। पहली बात तो पत्नी ही नहीं मानेगी, मायके जाके बैठ जाएगी। बिल्कुल, है ना, वर्तमान पर वर्तमान में तो यही है ना, पत्नी ही नहीं मानेगी, मायके जाके बैठ जाएगी, भाई तो बिल्कुल ही नहीं मानेगा, और बाकी जो दो भाई हैं वो तो खुश हो जाएंगे। लेकिन रामचरितमानस में जिसको हम पूज रहे हैं वहाँ ऐसा नहीं है। तो युवाओं को ऐसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए और उसको जीवन में उतारना चाहिए। ये सोच के नहीं पढ़ना चाहिए कि आज मंगलवार है तो पढ़ लिया, नहीं, उनका जीवन तुलसीदास ने लिखा ही इसीलिए था कि लोग उनसे सीखें। तो ऐसी किताबें आप पढ़िए, अंग्रेजी में बहुत अच्छी किताब है, उनको नैतिक मूल्यों को भी हम समझ सके। हाँ, या इग्नाइटेड माइंड्स है, ऐसी बहुत सी किताबें, गांधी जी के सत्य के प्रयोग आप पढ़िए। और पढ़िए नहीं, जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, किताबों को अपने अंदर उतारना बहुत जरूरी है। 100 किताबें पढ़ ली तो कोई मायने नहीं रखता, यदि उसको अपने अंदर उतारा ही नहीं तो क्या मायने रखता है। 10 भी पढ़ के यदि आपने अपने अंदर उतार ली तो आप बहुत अच्छे लेखक तो बनेंगे ही, आप बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। जी जी, अब्दुल कलाम जी की विंग्स ऑफ फायर भी मुझे बहुत प्रभावित करती है ये किताब भी, तो युवा ये भी पढ़ सकते हैं। सुजाता जी से आज हम मुलाकात कर रहे थे प्रधान नामा के साहित्य सारथी में। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। प्रधान नामा के साहित्य सारथी के इस एपिसोड में आज हमने बात की आलोचक, समीक्षक, स्तंभकार, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुजाता मिश्रा से। उम्मीद है आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। प्रिय मित्रों, यदि प्रधान नामा के ये प्रोग्राम्स आपको पसंद आ रहे हैं, साहित्य सारथी की शुरुआत आपको पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं, ताकि हम अपने कार्यक्रम में उन सभी साहित्यकारों को, उन सभी अनछुए पहलुओं को छू सकें जिनके बारे में आपकी जिज्ञासाएं हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सुजाता जी। नमस्कार विंध्या जी, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद।